माय नेम इज राज मेहता एंड माय नेम इज आयुषी राज मेहता एंड ये है मेरा भाई जिसका नाम है आरव राज मेहता। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस बार कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से सबसे पहले मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो चलिए मैं आपको ये सब पटाखे को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे इस पटाखे का यूज। सबसे पहले ये पॉपअप पटाखा है, इसे बूढ़े बच्चे सब कोई छोड़ सकते हैं बिना आग के सहायता से। ये पॉपअप पटाखा है, ये बहुत इको फ्रेंडली है, ऐसे कोई पोल्यूशन फ्री पटाखा, ऐसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसे बच्चे आराम से फोड़ सकते हैं बिना कोई आग से। तो मैं इसे आपको एक फोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ईजी से है, सिर्फ एक बार इसे ज़मीन पे पटकना होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ पटक करके, जैसे कि हो गया है। तो ऐसे सब कोई सब ऐसा करने से बारह हो जाता है, तो इस तरीके से सबको इसे यूज आसानी से कर सकते हैं। ये सारे प्राइस में अवेलेबल है, जैसे कि 5, 10, 15, 20 आपके यहाँ पे भी होता होगा। तो आपको या इसे लहसुन बम भी कहते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट हम लोग पास सांप की गोली। तो ये सांप की गोली है, इसे सिर्फ आग लगाना होता है। ये कुछ इस तरीके के आते हैं, ये इसमें आग लगाने पे ये अपने आप लंबा होता है बिल्कुल एक सांप की तरह। तो ये देख सकते हैं, और ये देखिए कुछ इस तरीके की गोली जैसी आती है। तो इसे सबको यूज कर सकते हैं, और ये बहुत मतलब ये आपके यहाँ पे भी बिकती होगी, मतलब ये सारे प्राइस में अवेलेबल है, 5, 10, 15 आपके यहाँ पे भी बिकती होगी, ये सांप की गोली है। और नेक्स्ट ये है, ये चरखी है, और इसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ज़मीन पे रख करके यहाँ पे आग लगाने पे ये गोल गोल नाचती है। और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर आप जो स्पार्कल होता है वो आमने सामने फेंकती भी है, आप इस पर कूद भी सकते हैं, यहाँ पे सब नाचता भी है। इसे देखिए इसके अंदर ये गोल गोल नाचता है, और ये भी सारा प्राइस में अवेलेबल होता है। ये बड़ा से छोटा सा प्राइस सारे में आते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हाइड्रो बम है, इसे बहुत आवाज़ करता है, इसे बच्चे उतना नहीं छोड़ पाते हैं, मतलब इसे बड़े ज़्यादातर छोड़ते हैं। इसे सुतरी बम भी कहा जाता है और आलू बम भी कहते हैं, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बड़े छोटे सब में आते हैं, और ये भी सारे प्राइस में अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत आवाज़ करता है, और बच्चे इसे दूर रहना चाहिए, मतलब इसमें बहुत खतरा होता है। और फिर नेक्स्ट ये टू साउंड पटाखा, इसे ये टू साउंड पटाखा अगर आप इसे जलाएंगे तो ये दो बार आवाज़ करती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ खोल करके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का सिलेंडर, ये कुछ इस तरीके का शेप में आता है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे आग लगाया जाता है, और ये दो बार आवाज़ करता है, और ये काफ़ी सही है, और बच्चे लोग भी इसे छोड़ सकते हैं पर थोड़ी सावधानी से, क्योंकि ये भी बहुत ख़तरनाक जैसा होता है। और ये सारे प्राइस में अवेलेबल है, छोटा बड़ा सब आप जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए पूरे एक पैकेट आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग के पास ये है, इसे बीडी बम कहते हैं, और ये बहुत ही मतलब इसे बच्चे भी जला सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, पर ये बहुत मतलब इसे सब कुछ छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सही होता है। मैं सबको ध्यान से दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस साइज में आता है, इसे यहाँ पे आग लगाते हैं इसे कहीं पे भी रख करके यहाँ पे आग लगाते हैं, और ये फूट जाता है। तो ये पूरा एक पैकेट आता है, तो ये सारे साइज में अवेलेबल होता है, और आप कहीं पर भी इसे ले सकते हैं, ये बहुत आपको इजी से मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ने लिया है डक ब्रांड का, तो मैं आपको तो ये इसे कहते हैं चटाई बम, और इसे आपको खोल दिखाती हूँ। ये रेड कलर का होता है, और इसे हम लोग सिंपली से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको आग लगाना होता है, और एक बार जब आप आग लगाएंगे तो ये पूरा एक ही बार में फट जाता है, तो इसे अच्छे से यूज करना होता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, और हमेशा इसे अच्छे से होता है, देखिए ऐसा है, देख सकते हैं आप पे आग लगा जाता है। और आपको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, आप नेक्स्ट है अनार, ये देखिए अनार को, ये देखिए अनार को, तो ये अनार है, और ये देखिए ये इस बॉक्स में आता है, आपको इसे खुला भी ले सकते हैं, फिर आप बॉक्स में भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज की, देखिए ये पूरी आती है एक बॉक्स, आप ये मैंने बड़े साइज के अनार लिया, आप चाहें तो छोटे साइज की भी ले सकते हैं, या फिर आप इससे बड़ी भी ले सकते तुमने तो हैं, सबसे बड़ा ले अनार। सकते हैं, तो ये सारे साइज और सारे प्राइस में भी अवेलेबल होती है, तो मैंने इतनी सारी एक बॉक्स लिया है, देख सकते हैं, तो मैं इसे सही से रख देती हूँ और ये ऊपर तक स्पार्क कर देती है, इसलिए ये जलाने के बाद तुरंत भाग जाया जाता है, नहीं तो फिर बच्चे पे गिर सकता है, इसलिए इसे नहीं। और फिर ये है रॉकेट, देख सकते हैं, मैं आपको पाँच दिखाती हूँ, तो ये है रॉकेट, और रॉकेट को आसमान तारा भी बोलते हैं, देखिए रॉकेट है, ये पूरी एक पैकेट आती है, पर मैंने एक पैकेट निकाल लिया एक पीस, इसे देखिए ये रॉकेट है, ये देखिए कि पूरा इतना बड़ा होता है, इसे बोतल में रख कर किया जाता है, और ये पूरी एक पैकेट आती है, पर मैंने यहाँ पे एक निकाली है, इसमें रख देती हूँ, और फिर ये आता है, ये बोतल में रख के ऊपर जाता है और आसमान रह के फट जाता है, तो ये इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है आसमान में, क्योंकि आसमान पूरा रंग बिरंगा हो जाता है, और यहाँ पे आग लगाया जाता है बोतल में रखकर का तुरंत भाग जाता है, और आसमान में जाकर सीधा फट जाता है, तो ये भी बहुत सारे साइज में अवेलेबल होता है, इसे सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्काई शॉट, रॉकेट, आसमान तारा, और हम लोग उसे रॉकेट ही कहते हैं, आप यहाँ पे क्या कहते हैं आप बताइएगा, और फिर ये है छुरछुरी, जो मैंने बड़े साइज के लिए है, इसे इलेक्ट्रिक स्पार्कर भी कहा जाता है, पर हम लोग के यहाँ से छुरछुरी कहा जाता है, तो हम लोग यही कहते हैं, तो आपके यहाँ पे कहीं क्या जाता है, हम लोग बड़े साइज के लिए, और लगभग 50 सेंटीमीटर की ली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 50 सेंटीमीटर की, और ये काफ़ी लंबी भी है, तो आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये काफ़ी लंबी है, तो इसे इस मेरे कितनी आधी लंबी है, तो ये सिंपली यहाँ पे इस रॉड को पकड़ते हैं, ये वाले लोहे वाले रॉड को पकड़ते हैं, इससे नहीं पकड़ते क्योंकि इसमें ही आग लगता है, यहाँ पे आग लगता है और नीचे तक जाता है, और फिर ये काफ़ी लंबी भी है, तो इसे बच्चे लोग ज़्यादातर छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं होता है, ये फटता भी नहीं है और ना ही सिर्फ कुछ होता है, फिर इसे स्पार्कल भी करता है, फिर मैंने इतनी लंबी लिया, फिर छोटे बड़े सब साइज में ले सकते हैं, और सारे प्राइस में क्या होती है, ये मैंने लिया स्काई शॉट, ये 15 स्काई शॉट है, देख सकते हैं आप, जैसे कि 15 स्काई शॉट है, यहाँ पे भी 15 15 कलर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की निकलेगी है, मतलब 15 बार जाएगी आसमान में और 15 बार निकलेगी, तो ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है, देख सकते हैं इसे, तो देखिए अंदर में इस सिंपली यहाँ पे इस तरीके से आग लगाया जाता है, और इसे बच्चा को यहाँ से दूर जाकर बड़े लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार बहुत खतरनाक हो सकती है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ अंदर में भी कुछ होता है, यहाँ इसके अंदर आग नहीं लगाया जाता, सिर्फ इसके अंदर आग लगाया जाता है, क्योंकि ये जब आग जलेगा तो ये देखिए देख सकते हैं पूरी ये जो रस्सी है पूरा अंदर तक जाती है, और ये पूरी को आग लगा देती है, तो यहाँ पे तो मैंने इसे खरीदा है 250 में, आप चाहे तो कितने में भी खरीद सकते हैं, या बड़ा खरीदना चाहते तो बड़े दाम में निकलेगी, अगर छोटे तो छोटे दाम में भी खरीद सकते हैं, तो सारे प्राइस अवेलेबल होती है, बड़ी छोटी और बहुत सारे शॉर्ट्स भी निकल सकते हैं आप में, तो देख सकते हो कितने सही है, और पीछे देख लीजिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसे जला करके भी दिखाऊंगी, तो आप जब तक देखते रहिए, तो बाय 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 बाय।